मेरे ख्याल से इस दुनिया में पति और पत्नी की बजाय दो जुड़वा लोग एक दूसरे को ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। और कुछ ऐसा ही इन भाई और बहनों के साथ हुआ, जिनका शरीर बिल्कुल एक जैसा था, इसलिए उनकी हर हॉबी और यहाँ तक कि उनके दोस्त भी लगभग एक जैसे होते हैं, और यहाँ तक कि उनकी हॉबी भी लगभग एक जैसी थी। और यही कारण है इन दोनों इंसानों की जरूरत एक जैसी होने का। लेकिन कई बार यही जुड़वा लोग खुद को ऐसी स्थिति में घिरा हुआ पाते हैं जिसमें उन दोनों का ही दिमाग काम करना बंद कर देता है। और ऐसा ही कुछ आज हमारी इस कहानी में हुआ। आज की हमारी कहानी की इन हीरो से मिलिए, जिनका नाम है ब्रियाना और ब्रिटनी, जो दोनों जुड़वा बहने हैं। और इनको बचपन से ही खुद में एक अजीब बॉन्ड दिखाई देता था। वो सब काम हमेशा साथ साथ करती थी, हमेशा एक जैसे कपड़े पहनना, और यहाँ तक कि वो अपने बाल भी बचपन से ही एक जैसे बनाते आई थी। ना सिर्फ उनकी दिखावट एक जैसी थी, बल्कि यहाँ तक कि वो काम भी बिल्कुल एक जैसे करती थी। दोनों ने एक साथ लॉ की स्टडी करी और दोनों ने ही सेम कॉलेज में एडमिशन लिया, जिसके बाद दोनों ने ही कानून की नौकरी करनी शुरू कर दी। इससे भी ज्यादा कमाल की बात ये थी कि उन दोनों ने ही एक ही लड़के को पसंद किया। बदकिस्मती से उस लड़के का कोई जुड़वा भाई नहीं था, ऐसा उनको लग रहा था, और इसी बात से वो दोनों परेशान थी। उन्हें इस वजह से अपनी जिंदगी में कुछ कमी महसूस हो रही थी। दोनों की जिंदगी बहुत साधारण सी थी और हमेशा उन्हें अपने फ्यूचर को लेकर बहुत चिंता रहती थी। उन्हें सबसे ज्यादा चिंता यही थी कि आने वाले भविष्य में उन्हें अलग अलग रहना पड़ेगा। लेकिन ये सब कुछ बदल गया अगस्त 2017 में, जब ब्रियाना और ब्रिटनी दोनों एक समारोह में शामिल होने गई। उन्हें नहीं पता था कि उस समारोह में उनकी जिंदगी ऊपर से नीचे तक बदल जाएगी। ये समारोह ट्विंसबर्ग ओहायो में हो रहा था, और यही वो जगह थी जहाँ पर इन दोनों को अपना प्यार मिला। ब्रिटनी ने अपनी बहन ब्रियाना को भीड़ में एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उसे ये लड़का बहुत पसंद है। लेकिन भीड़ ज्यादा होने की वजह से ब्रियाना उसे पहचान नहीं पा रही थी। एक बार उसे देखने के बाद ब्रिटनी पूरे समारोह में उस लड़के के आगे पीछे ही घूमती रही, जिसके बाद ब्रिटनी ने ब्रियाना का हाथ पकड़ा और उस लड़के के पास जाकर उसे दिखाया कि ये वो लड़का था। जी हाँ, एक लड़का जो पास ही से गुजर रहा था, और इसे देखकर ब्रियाना खुद बहुत दंग रह गई। जिस लड़के को ब्रिटनी पसंद कर रही थी, उसी के ऊपर ब्रियाना भी अपनी नजर बनाए हुए थी। ये बात सुनते ही दोनों की दोनों बहनें बेहद परेशान हो गई। इस लड़के का नाम जेरेमी था और ब्रिटनी ने उसे भीड़ में सबसे पहले नोटिस किया था। अब तक आपको भी यही लग रहा होगा कि उन दोनों ने एक ही लड़के को पसंद किया है। जब ब्रिटनी ने ब्रियाना को वो लड़का पास से दिखाया, तो वो बल्कि अपने भाई का ही एक जुड़वा भाई था। जी हाँ, वो लड़के भी जुड़वा भाई थे। और जब इस बात का पता ब्रियाना और ब्रिटनी को लगा, तो उन्होंने उनसे बात करने की कोशिश की। इन दोनों भाइयों का नाम जेरेमी और जोश था, और जब इन दोनों भाइयों ने भी ब्रियाना और ब्रिटनी को देखा, तो ये भी मुस्कुराने लगे, जिसके बाद चारों ने आपस में बातें करना शुरू किया और जल्दी ही बहुत आगे निकल गए। जोश और जेरेमी को भी ब्रियाना और ब्रिटनी बहुत पसंद आई, वो भी इनसे मिलकर बहुत खुश थे। जिसके बाद शाम होते ही दोनों बहनें अपने घर वर्जीनिया में वापस आ गई। उन लड़कों से भी दोबारा इन दोनों बहनों से मिलने का इंतजार नहीं हो रहा था, जिसके बाद वो भी जल्दी ही अगली मीटिंग करने के लिए वर्जीनिया पहुंच गए। वर्जीनिया में पहुंचते ही चारों की खुशी का ठिकाना नहीं था, जिसके बाद चारों ने कई दिन वहां पर साथ में बिताए। क्या आपको ये किसी कहानी के जैसा नहीं लग रहा? और अब जल्दी ही चारों को एहसास हो गया कि वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ब्रियाना और ब्रिटनी की तरह जोश और जेरेमी के नाम भी सेम अक्षर से शुरू होते थे, और इन दोनों का भी सेम ही बिजनेस था। इससे भी कमाल की बात ये थी कि ये दोनों भाई भी एक दूसरे से वादा कर चुके थे कि वो दोनों एक साथ जुड़वा बहनों से ही शादी करेंगे। लेकिन सबसे मुश्किल काम था अपना सही लाइफ पार्टनर चूज करना। अब क्योंकि दोनों बहनें और दोनों भाई बिल्कुल एक जैसे दिखते थे, इसलिए हर लड़की दोनों लड़कों को पसंद करने लगी थी। इसलिए अब कुछ करना था जिससे सही लाइफ पार्टनर चुना जा सके। इन जोड़ों ने एक बहुत आसान सा लेकिन एक बहुत कमाल का तरीका अपनाया। ब्रिटनी और जोश, जेरेमी और ब्रियाना जोड़े के रूप में सामने आए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे उन्होंने चूज किया? तो इन्होंने अपने जन्म के समय का हिसाब लगाया। जो दोनों पहले पैदा हुए थे और जो दोनों बाद में पैदा हुए थे, वो जोड़े के रूप में सामने आए। सभी को ये तरीका बहुत पसंद आया। जब भी ये चारों सड़क पर चलते, तो पास से गुजरने वाले लोग इन्हें देखकर बहुत हैरानी से देखते। हर कोई इन्हें देखकर इनके साथ फोटो करवाना चाहता था, और ये बनता भी था। खुद को उनकी जगह पर रखकर देखिए, जल्दी ही इन जोड़ों के बारे में इंटरनेट पर बातें बनना शुरू हो गई, और देखते ही देखते ये बहुत फेमस हो गए। इन्हें बड़ी बड़ी कंपनीज की तरफ से मॉडलिंग शूट्स के लिए बुलाया गया। लेकिन इन दोनों बहनों को पता ही नहीं था कि ये असल में है क्या। ये दोनों लड़कियां एक शूट के लिए एक छोटे से हॉल में अंदर घुसी। वहां पर एक फिल्म बनाने वाली टीम मौजूद थी, लेकिन उन्हें लग रहा था कि यहां पर तो कोई एड शूट हो रही है। अंदर पहुंचते ही दोनों भाई बहन अपनी वालियों के सामने घुटनों के बल बैठ गए और उन्हें प्रपोज किया। बेशक लड़कियों ने हाँ बोला,
गया और कमाल की बात ये थी कि इस पूरे नजारे को एक फिल्म में प्रदर्शित किया गया। इस समय ये चारों लोग सातवें आसमान पर मौजूद थे। इस प्रपोजल के बाद चारों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि वो आज से 6 महीने बाद शादी कर लेंगे और जब वो दिन आएगा उस दिन कुछ स्पेशल होगा। वो अपनी ये शादी पूरी दुनिया को दिखाना चाहते थे। उनकी इस शादी में थीम बहुत सोच समझ कर रखा गया। जी हाँ, इस शादी में सब कुछ दो दो होने वाला था। शादी में दो एक जैसे बड़े बड़े केक आए, साथ ही दो बिल्कुल एक जैसी ड्रेसेस के जोड़े आए। इसके अलावा इनकी अंगूठियां भी बिल्कुल एक जैसी थी। लेकिन ये सब यही नहीं रुका, लड़की और लड़के वालों के परिवार की तरफ से शामिल होने वाले मेहमान भी पूरी तरह से जुड़वा थे। और जरा इस फोटो को देखिए, क्या आप इस फोटो पर विश्वास कर पाएंगे? ब्रियाना और ब्रिटनी बिल्कुल एक जैसी ड्रेसेस में थी, वहीं जोश और जेरेमी भी बिल्कुल एक जैसी ड्रेसेस में दिख रहे थे। लेकिन इसमें तो कोई चौंकाने वाली बात नहीं थी। लेकिन ये ट्विंस की शादी इतनी असाधारण थी कि इसने दुनिया भर में मीडिया को अपनी तरफ खींचा। पूरी दुनिया में इनकी शादी लाइव दिखाई गई। पूरा सेलिब्रेशन खत्म होने के बाद ब्रियाना, जेरेमी, ब्रिटनी और जोश ने मिलकर अपना फ्यूचर प्लान करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक साथ एक ही बड़े घर में रहने का सोचा ताकि वो सभी एक दूसरे के बेहद नजदीक रह सकें। दोनों लड़कों ने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में उनके बच्चे भी जुड़वा ही पैदा हों, जबकि उन्हें पता था कि जुड़वा बच्चों को पालना बहुत मुश्किल काम होता है। इतना ही नहीं, वो ये भी चाहते थे कि दोनों जोड़ों के जुड़वा बच्चे एक ही दिन पैदा हों। इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात ये थी कि इन लोगों के होने वाले बच्चे आपस में ना सिर्फ कजन्स होने वाले थे बल्कि उनके बच्चे आपस में एक तरीके से सगे भाई बहन ही थे, बस उनके माता पिता थोड़े अलग थे। दुनिया ये बात सुनकर हैरान ही थी। जब ये लोग दुनिया भर में मशहूर हो चुके थे, इनसे सोशल मीडिया पर भी एक ही सवाल लोगों द्वारा पूछा जाने लगा कि क्या कभी वो अपने पति या पत्नी को लेकर कंफ्यूज नहीं होते? वो एक दूसरे की पहचान कैसे करते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल एक जैसे ही दिखते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा उनके साथ कभी नहीं हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि वो अपने पार्टनर को दूर से भी पहचान सकते हैं। शादी के बाद दोनों जोड़ों को अच्छी खबर मिली। जी हाँ, उन्हें पता चला कि ये चारों लोग लगभग समान समय पर ही पैदा हुए थे। तो दोस्तों, ये कहानी थी चार लोगों की, दो जोड़ों की और एक परिवार की, जो अब साथ में रहते हैं और हर काम में एक दूसरे की मदद करते हैं। और मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है ये पता करने की कि इनके बच्चे कब होंगे, और जैसे ही वो हुए मैं आपको तुरंत एक अलग वीडियो में बता दूंगा। तो दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा कुछ अपनी जिंदगी में देखा है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बता दें। दोस्तों, पिछली वीडियो का शाउट आउट जाता है अफगान लायन को, जिन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया था। इस कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कमेंट्स में पिक में लिख सकते हैं जिससे आने वाली वीडियोस में आप में से ही किसी एक को शाउट आउट दिया जाएगा। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिख दें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।